بسم الله الرحمن الرحيم। रिज़्क सिर्फ खाने पीने की चीज़ों का नाम नहीं है, हर एक नेमत रिज़्क में शामिल है, ख्वाह वो माल दौलत हो, सेहत व तंदरुस्ती हो, अमन व अमान हो या और दीगर नेमतें हों, ये सब रिज़्क में शामिल हैं। रिज़्क में बरकत का दूसरा अहम तरीन अमल इस्तिग़फ़ार है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूह की आयत नंबर 10 और 11 में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल हिकायत करते हुए फरमाया है, इस्तग़फिरु रब्बकुम इला आखिरिल आयात, जिनका खुलासा यह है कि इस्तिग़फ़ार की बरकत से मूसलाधार बारिश अल्लाह ताला अता फरमाता है, माल दौलत और बेटों से मदद फरमाता है, बागात और नहरें अता फरमाता है। आयत शरीफा की तफसीर में मुफस्सरीन ने अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस नकल फरमाई है, जिस हदीस का नंबर है 1518। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बकसरत इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह तबारक व ताला उसे हर गम से छुटकारा अता फरमाता है और हर तंगी से कुशादगी अता फरमा देता है और उसे ऐसी राहों से रिस्क अता फरमाता है जिसका बंदे के वहम व गुमान में गुज़र भी नहीं होता। नीज इस मौके पर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या नकल फरमाया है कि हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के पास चार लोग अलग अलग शिकायतें लेकर आए। एक ने कहा कि हज़रत क़हत साली बहुत हो गई है, दूसरे ने कहा कि तंग दस्ती बहुत ज़्यादा है, तीसरे ने कहा कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है और चौथे ने कहा कि हज़रत मेरे बाग सूख गए हैं। हर एक इलाज का तलबगार था। हज़रत ने हर एक को इस्तिग़फ़ार की कसरत बतलाई। रबी बिन सबीह जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने अर्ज़ किया कि हज़रत चारों ने अलग अलग परेशानियाँ बतलाईं और आपने सभी को एक ही इलाज बतलाया, तो आपने फरमाया कि मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो इरशाद फरमाया है मैंने वही बतलाया है। चुनांचे हम सभी पर ज़रूरी है कि हम कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें और अल्लाह तबारक व ताला से रिज़्क़ में बरकत हासिल करने वाले बने। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।